अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं लगन मुर्ग की रेसिपी, वो भी लखनवी शादियों वाले। तो इसकी बहुत ही परफेक्ट और एकदम आसान सी रेसिपी देने के लिए आपने अपनी पुरानी डायरी को निकाला ताकि इसमें हमारी रेसिपी में कोई मिस्टेक ना रहे। देखिए, इसे मुर्गे अवध भी कहते हैं। लगन मुर्ग की रेसिपी है, बहुत ही परफेक्ट। इसमें नोट डाउन मैंने किया था, बहुत ही हमारी पुरानी रेसिपी है, तो अपने व्यूअर्स के लिए हमने इसे निकाला ताकि हमारी रेसिपी में कहीं कोई कमी ना रह जाए। बहुत पहले 95 की है हमारी डायरी है पुरानी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही अलग और यूनिक सी एक रेसिपी है, देखने में भी और टेस्ट में भी, लेकिन इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। तब जब आप इसे बना के सर्व करेंगी, कोई ये नहीं कहेगा कि आपने इसे घर में और वो भी इतनी आसानी से बनाया है। बहुत ही मुख्तसर से इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं और बहुत ही आसान से मेथड। तो आइए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और इसके लिए मैंने एक मुर्ग से करीब 4 पीस करवाया है। आप इसमें से 6 पीस भी करा सकते हैं, या नॉर्मल जो ग्रेवी के लिए चिकन आते हैं आप उसमें भी बना सकते हैं, टेस्ट तो यही आएगा। लेकिन ये शादियाँ वाले स्टाइल है तो इसलिए बड़े पीस लिए हैं। सबसे पहले देखें, ये हमने एक चिकन में से 4 पीस करा ली है, इतने बड़े बड़े पीस। अगर से हम 4 बोलेंगे तो इसे 4 से काट के इतने बड़े पीस दे देंगे एक चिकन से। और इसको अच्छी तरह से हमने धो लिया है, धो के थोड़ी देर रख दिया था एक स्ट्रेनर में, जिससे ये अच्छी तरह से इसका पानी निकल गया है। अब इसके जो लंबे लंबे पीस हैं, इसमें हम एक तेज़ चाकू से और इसको अच्छे अच्छे गहरे कट लगा लेंगे, इस तरह से, इस तरह से सभी में हम एक एक इंच की दूर पर इस तरह से गहरे कट लगाएंगे ताकि अंदर तक मसाले जाएँ। तो यहाँ पे सभी में हमने गहरे कट लगा लिए हैं, गहरे गहरे से सब में, चारों पीस में। अब इसे हम एक साइड रख देते हैं। तो आइए अब इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने प्याज, 2 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे हमने लाइट गोल्डन सी फ्राई करना है। इसमें कलर इसका बिल्कुल डार्क नहीं होना चाहिए, इन बातों का आप ख्याल रखें। और यहाँ पर हमने थोड़े से नारियल लिए हैं और इस तरह से इसको स्लाइस कर लिए हैं। और इसका अगर से आप इस जगह पे पाउडर लेना चाहें तो 2 टेबलस्पून पाउडर ले लें। और 7-8 काजू लिया, 7-8 बादाम लिया है, 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे खसखस ली है। इन सब चीज़ों को अभी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। कुछ पाउडर मसाले हैं जिसमें हमारे पास 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टीस्पून हमारे पास लौंग, इलायची, जावित्री, खुशबू का मसाला है। इसकी रेसिपी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूँगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। और या तो आप इसको बना लें, थोड़ी थोड़ी इलायची, थोड़ी जावित्री और 2 लौंग मिला के इसका पाउडर सा बना लें। यहाँ पे पीली मिर्चों का पाउडर हमने 1 टीस्पून लिया है। अगर आपको ये नहीं मिले पीली मिर्च का पाउडर तो इसकी जगह आप कोई रेड चिली पाउडर ले लें, पर ज़्यादा कश्मीरी मिर्च ना लें क्योंकि उससे रेडनेस आ जाएगी रेसिपी में। और यहाँ पे 1/2 टीस्पून सिर्फ लेना है गरम मसाला पाउडर, क्योंकि हमारे पास जावित्री मसाला है, जावित्री हरी इलायची का, तो बहुत ही खुशबूदार मसाला ऑलरेडी होता है। 1/2 टीस्पून सिर्फ यहाँ पे हमने लिया है गरम मसाला। यहाँ पे 2 टेबलस्पून हमने गार्लिक का पेस्ट लेना है, 100 ग्राम दही है, 1 बड़े नींबू का रस है, थोड़ी सी हरी धनिया का यूज़ करेंगे, 1 बड़े चम्मच दूध में हमने केसर घोल के रख लिया है, 1 चम्मच हमने यहाँ पे सौंफ ली है और इसे भी भूनना है, यहाँ पे 1 चम्मच करीब काली मिर्च और व्हाइट मिर्च ले ली है। और आपको व्हाइट मिले पूरी तो व्हाइट ले लें, हमारे पास ये थोड़ी व्हाइट कम हो रही थी तो मैंने ब्लैक मिला लिया है। 6 से 7 हरी मिर्चें हैं जिसमें से कुछ मैंने स्लाइस कर दिया है, कुछ को ऐसे ही पूरी साबुत ही रख लिया है। 1 से 2 तेज़पत्ते का यूज़ करेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने हीट पर एक पैन रख दिया है, तो सबसे पहले हम ये डाल देंगे काजू, बादाम और गरी, रोस्ट करेंगे थोड़ा सा खुशबू आने तक। उसके बाद हम खसखस डालेंगे, क्योंकि खसखस के जो सीड्स हैं वो काफ़ी बारीक हैं, वो बहुत जल्दी हो जाएंगे और इसमें टाइम लगता है। तो पहले इसे हमने डाल दिया है और इसे रोस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। 1.5 से 2 मिनट हमने इसे मीडियम हीट पर चलाया है लगातार। देखिए अभी थोड़ा सा इसमें स्पॉट से आ रहे हैं, ये भून गया है। अब इसमें हम खसखस भी डाल देंगे और इसे भी 1 मिनट थोड़ा सा मीडियम हीट पर स्टिर करते हुए भून लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी खसखस भी भून गई है, हीट बंद कर देंगे, इसे पलट लेंगे अपने एक बर्तन में और ठंडा होने के बाद इसे हम पीसेंगे। अब यहाँ पे हमने सौंफ को भी हल्का सा भून लिया है और इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो इस तरह से देखें, दरदरी से हमने इसे पीस लिया है सौंफ को। इसी में अपनी प्याज को हम क्रश कर लेते हैं। अगर से हाथ से हो जाए तो हाथ से कर लें, ग्राइंडर से हो जाए तो ग्राइंडर से कर लें। अब यहाँ पर प्याज देखें हमारी क्रश हो गई है, सूखी सूखी सी बगैर पानी के। इस तरह से इसे हम क्रश करके एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसे हम डाल लेते हैं, ये ठंडा हो गया होगा। काली मिर्च भी पीसेंगे, पीस लेते हैं इसे। तो यहाँ पे भी हम इसे भी अच्छे सा 4-5 चम्मच पानी डाल के इसे अच्छे सा पेस्ट बना लिया हमने। यहाँ पे इन सारे इंग्रेडिएंट्स में हम सबसे पहले यहाँ से सौंफ पाउडर हटा देंगे, धनिया हटा देंगे, ये हरी मिर्च हटा देंगे। ये 3 चीज़ें हटा के बाकी सारी चीज़ें
और ये एक तेज़पत्ता डाल देंगे और ये सारी चीज़ें हम मैरिनेट करेंगे चिकन को अपने। तो यहाँ पे हमारा चिकन है तो इसमें हम सबसे पहले लेमन जूस डालेंगे, अच्छी तरह से मिला देंगे ताकि ये जूस अंदर तक जाके हमारे चिकन को अच्छे से नरम भी करेगा और टेस्टी भी बनाएगा। उसके साथ ही नमक और ये सारे पाउडर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये सारी चीज़ डालने के बाद हम इसमें अब ये सारी दही हुई दही और ये जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है, प्याज है, केसर वाला दूध है और ये हमारे ड्राई फ्रूट्स की जो पेस्ट है ये सभी डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से हमने हाथों से मिक्स कर दिया है। अब इसे हम अपने हिसाब से 2 घंटा तो कम से कम रखना ही रखना है और उससे ज़्यादा भी आप 4 से 6 घंटे भी इसे रख सकते हैं, और गर्मी है तो फ्रिज में रख दें और सर्दी है तो आप इसे रूम टेम्परेचर पे किचन काउंटर पे ही छोड़ दें। होते हैं यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं चिकन को मैरिनेट किए हुए, तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक पैन हमने गर्म होने रख दिया है, इसमें हम वही ऑयल और घी लेंगे जिससे हमने प्याज को फ्राई किया था, तो 2 से 3 बड़े चम्मच हमें लेना है। यहाँ पर ऑयल और घी को मिक्स किया है हमने, आप चाहें तो सिर्फ घी में बना लें और ये देसी घी में बनता है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये रेसिपी देसी घी वाली है लेकिन हमने दोनों मिक्स किया है। अब ये गरम हो जाए अच्छे से। एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि ये चिकन जो है लगन में ही बनता है जो कि काफ़ी मोटे हैवी बॉटम का ये तले का बर्तन होता है, तो इस तरह से आप कोई भी बर्तन लें तो वो मोटा ही लें। तो यहाँ हमारा नॉनस्टिक भी जो है वो अच्छे से मोटे तले का है। अब इसमें हम तेज़पत्ता डाल देंगे, एक पीस है इसे हम इसे इस तरह से बिछाते हुए इसमें डाल देंगे, जितना इसमें आ जाए हम डाल देंगे नहीं तो फिर हम 2 बर्तन यूज़ कर लेंगे। करीब 3 हमारी पीस आ गई है तो बची हुई जो एक पीस है इसके लिए हमने एक छोटी कढ़ाई अलग ली है, उसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल लिया है और जो पीस है इसमें हम ढक देंगे, बिछा देंगे उसी तरह से और मसाले लगा देंगे ऊपर से, कवर करेंगे और लो हीट पर 10 से 12 मिनट इसे कुक करेंगे। अब इसमें भी जो बचे हुए मसाले थे हम इस अपने चिकन पे लगा देंगे अच्छे से। अब इसे ढक देंगे और 10 से 15 मिनट बाद लो टू मीडियम हीट पे है और 10 से 15 मिनट बाद इसका हम साइड चेंज करेंगे। अब एक साइड से पकते हुए इसे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, अब इसके साइड को हम चेंज कर देते हैं। हमने इसका चेंज कर दिया है, चॉइस के हिसाब से इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा कलर इसमें आ जाता है अच्छा सा, और वैसे हल्दी इसमें पड़ती नहीं है लेकिन घरेलू इस तरह से बनाने टाइम थोड़ी सी हल्दी डाल लेते हैं, सो हमने डाला नहीं था अभी हम डाल लेते हैं। 2-3 चुटकी हमने इसमें हल्दी भी डाल दिया है। 12 से कवर करके रख देते हैं और ये दूसरे साइड भी हम इसे करीब 10 से 12 मिनट का टाइम देंगे। तो अभी इसका भी साइड हम चेंज कर देते हैं और 1 से 2 चुटकी हल्दी इसमें भी डाल देते हैं, फिर कवर कर देते हैं दूसरे साइड, इसे भी हम करीब 10 से 12 मिनट देंगे। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, दोबारा से इसे हम फिर से खोल के चेक कर लेते हैं। अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है, पूरा अच्छे से घी अलग हो जाने तक ही इसे हमें पकाना है। अब ये थोड़ा गल के चिकन छोटा हो गया है तो हम सब चिकन को एक कर लेते हैं, जो दूसरे पॉट में पक रहा है सिंगल पीस इसे भी हम इसमें डाल लेते हैं, थोड़ा सा चला देते हैं, साइडों को चाहे तो दोबारा से चेंज कर दें। अब हीट को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, लो से थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे, लो टू मीडियम कर लेंगे। यहाँ पर हमने मलाई लिया है जिसे हम अच्छे से बीट कर लेंगे, इसे खोलते हैं दोबारा से और इसमें अब ये हम मलाई डाल देंगे। 2-3 मिनट से और पकाना है हमें, उसके साथ ही अब हम इसमें ये मलाई डाल देंगे, साथ ही अब इसमें हम ये हरी मिर्च डाल देंगे। 4-5 मिनट पकना रह जाए कसर तब इसमें हम हरी मिर्च डाल के पकाएंगे, कवर कर देंगे इसे 3 से 4 मिनट के लिए। दोबारा से 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, फिर से हम इसे थोड़ा सा खोल के चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब करीब करीब घी अलग होने लगा है एकदम से अच्छे से। हम इसमें करीब 1/2 टीस्पून सौंफ पाउडर डाल देंगे, हरी धनिया डाल देंगे और 1/2 टीस्पून हम इसमें केवड़ा वाटर डालेंगे, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे हमने स्टिर कर दिया, अभी हीट को हम लो करेंगे और 5 मिनट के लिए इसे दम पे हम दोबारा से रखेंगे, एकदम हीट को ध्यान रखेंगे लो करना है क्योंकि इसका करीब करीब पानी बिल्कुल खुश्क हो ही गया है, ध्यान से लो हीट पर ही 5 मिनट छोड़ना है।
5 मिनट हो गए, देखिए बिल्कुल अच्छे से ऑयल अलग हो चुका है। बस ये चिकन हमारा तैयार है, लगान चिकन, बस इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। अब इसे गार्निश भी कर लें ऊपर से भी थोड़ी हरी धनिया से, प्याज के लच्छों से और दही वाली चटनी से और लेमन से। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं है लॉकडाउन की वजह से, तो आप इसे बनाएं और इन चीज़ों के साथ इंजॉय करें, फीडबैक दें। बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार हमारा लगन का चिकन बन के तैयार। तो ज़रूर बनाएं और फीडबैक दें, और रेसिपी पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।